बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। जी हाँ, बाजार शास्त्र एक ऐसा शो जो, या फिर कहें कि बिजनेस चैनल्स में पहला ऐसा शो जो समझाता है आपको शेयर बाजार के मनोविज्ञान को। क्या साइकोलॉजी काम कर रही होती है शेयर बाजार में? अब जब साइकोलॉजी की बात होती है तो दिमाग में बात ये भी आती है कि क्यों ऐसा होता है कि जिस सेक्टर में हम निवेशित होते हैं, हम इन्वेस्टर होते हैं, उस सेक्टर के स्टॉक्स नहीं चल रहे होते, बल्कि कुछ दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे होते हैं। क्या कारण होता है इस साइकोलॉजी का, जान लेते हैं। हमारे साथ शो के एक्सपर्ट सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिकमेंडेड सेक्टर्स में कई बार इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इस वक्त रियलिटी का बूम है या फिर एक शुगर स्पेस का बूम है, वो खरीद लेते हैं। लेकिन उनके साथ ये त्रासदी क्यों होती है, ये ट्रेजेडी क्यों होती है कि जिस सेक्टर में वो इन्वेस्टेड होते हैं वो सेक्टर उस वक्त नहीं चल रहा होता? ये एक्चुअली सबके साथ होता है नॉर्मली। मैं इसको समझाने के लिए एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक आदमी था, वो शहर में गया, नए शहर में, तो वहाँ होटल में खाना खाने के लिए गया। तो खाना खाने के लिए गया, उसने खाने का ऑर्डर किया, खाना उसके सामने आ गया। तभी उसने देखा उसके साथ वाले टेबल के ऊपर एक बहुत अच्छा डिश पड़ा हुआ था, बिल्कुल टेम्पटिंग सा, पूरा फ्लेवर्ड, पूरा सजा हुआ, सब कुछ था, अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा था, पूरा घी मक्खन पूरा। उसने वेटर को बुलाया, इधर आना, ये क्या है? बोला, सर ये पालक पनीर है। तो बोले, ये हमारा स्पेशल डिश है। वो बोला, वेटर बोला, उसने बोला ठीक है। उसने बोला, आप तो खाना मंगा लिया, अभी कल फिर खाऊंगा तो फिर मंगाऊंगा। अगले दिन फिर होटल में गया, वो खाने ऑर्डर दिया, बोला पालक पनीर लेके आओ। अब वो पालक पनीर उसके सामने आया, लेकिन वो इतना रूखा रूखा सा था, अच्छा नहीं था, उस तरह की डेकोरेशन नहीं थी। फिर उसने साथ वाले टेबल पे देखा एक और डिश, वो बिल्कुल ऐसे सजा हुआ, अच्छा खुशबू आ रहा, टेम्पटिंग सा लग रहा एकदम देखने में। उसने बोला, इधर हो रहा, ये क्या है? बोला, सर ये कोफ्ते हैं, ये हमारा स्पेशल डिश है, आज का स्पेशल है, स्पेशल ऑफ द डे आज। पूरी बात कि हमारा स्पेशल डिश है। उसने फिर अगले दिन फिर आया, अगले दिन उसने ऑर्डर दिया कोफ्ते लेके आओ। कोफ्ते आया, फिर मजा नहीं आया खाने में। एक तो सामने इतना अच्छा डिश पड़ा हो, दूसरा अपना रूखा रूखा सा हो तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसने फिर देखा, फिर कोफ्ते में मजा नहीं आया। सामने एक डिश देखा और पड़ा, उसको बोला ये क्या है? बोला ये जो है स्पेशल डिश है। उसको बोला, तुम्हारे से मैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ, तुम हर बार मुझे सामने वाले टेबल का बताते हो डिश स्पेशल है, जो मैं मंगाता हूँ वो तो ऐसी नहीं होती। कह रहा, सर वो आज का स्पेशल है, ये आपका जो है अब पुराना हो गया, वो आज का स्पेशल है। आप हर रोज आते थे, आप हर रोज डिश मंगाते थे जो कल की स्पेशल थी, आज की स्पेशल नहीं। स्टॉक मार्केट में भी लोग यही करते हैं। आई कुड गेस इट, आपकी स्टोरी से मुझे गेस ये लग गया था कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। स्टॉक मार्केट में लोग यही करते हैं, वो कल की जो पुरानी डिश है उसको ऑर्डर करते हैं, मार्केट अपनी डिश बदल देती है। मार्केट की रोज की डिश अलग है, यहाँ पे हर रोज का स्पेशल कोई चीज होगा, वो आपके सामने पड़ा होगा, आप उसे खा नहीं पाएंगे, टैम्प्ट करेगा, क्योंकि आपके सामने दूसरा खाना है जो ठीक नहीं है, जो कि कल का स्पेशल था। देखिए होता क्या है, .com बबल हुआ, सारे स्टॉक चल रहे थे ऊपर, इंफोसिस, TCS, जो भी IT के स्टॉक थे, जितने भी टेक्नोलॉजी हो या फिर सॉफ्टवेयर, मार्केट नीचे गिरा, सारा टेक्नोलॉजी नीचे गिरा, वो कल का स्पेशल डिश था, लोगों ने सोचा आज भी वही मजा देगा, लेकिन उस बार मार्केट ने अपना डिश बदल दिया। मार्केट कौन सा डिश लेके आया नया? रियल एस्टेट, रिलायंस, ऑयल एंड गैस, ADAG पैक, नए नए डिश, नई नई चीजें। अब लोगों को लगा ये तो हम तो गलत फंस गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी 8 साल तक परफॉर्म ही नहीं किया, दूसरे सेक्टर उनके सामने चल रहे थे। फिर 2008 आया, फिर सारा मार्केट गिरा, अब वो पुरानी वाली डिश फिर वो खाना चाहते थे, उन्होंने रियल एस्टेट लिया, उन्होंने रिलायंस लिया, उन्होंने ऑयल एंड गैस लगाया, कुछ नहीं चला, मार्केट ने डिश बदल दिया, ITC, हिंदुस्तान लीवर, TTK प्रेस्टीज, जो कंजम्पशन स्टॉक, मार्केट अपने हॉर्सेस चेंज कर देती है। यानी इसको आसान शब्दों में समझे, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपने इसे रिलेट किया कि जिस तरह से शेफ अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी फूड की स्पेशलिटी को हर दिन चेंज कर देता, उसी तरह इस बाजार के जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो रोज कोई ना कोई अलग बेट ले लेते हैं सेक्टर्स पर। बिल्कुल, मार्केट के जो सोच है, मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी आएगा, सिस्टम वही काम करेगा, लेकिन हॉर्सेस चेंज हो जाएंगे, हॉर्सेस सेम रहेंगे, हॉर्सेस मार्केट हर बार नहीं चेंज कर देता है, नए सेक्टर आएंगे, नई चीजें आएंगी, जो पिछली बार नहीं चली, आपके ध्यान में नहीं है, आपने उसको सोचा नहीं, आपने उसको देखा नहीं, वो एकदम से बाहर आएगा। राइट,
और जब आपकी नजर में पड़ेगा वो, तब तक वो 300-400% चल चुका होगा। यानी अगर सबसे पहले आपने जैसे स्टार्ट किया एक लाइव एग्जांपल से, अगर हम कुछ साल पहले पीछे चले जाएं, तो यानी 97 से 2000 का जो .com बबल का जो टाइम था, ये एरन आता जो 4 साल का था, उसमें लगातार आपकी नजर बनी रही होगी कि आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक खरीदने, आईटी स्टॉक, .com कंपनीज वाले शेयर्स खरीदने जिनमें एक बबल है, जिनमें एक इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि वो जब आप खरीद लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक जो थे, अब इन्फोसिस का स्टॉक वो 2500-3000 उस समय काफी ऊपर चला गया था, तो एडजस्टमेंट करके बता रहा हूं मैं, तो 3000 के लेवल से वो 1000 रुपए में मिल रहा था, 900 में, लोगों को लगा बहुत सस्ता है और कितना अच्छा चला था ये, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मार्केट पुरानी चीजों को छोड़ देती है। मार्केट हर रोज नया सेक्टर, हर रोज नई चीज, देखिए जिंदगी चेंज हो रही है, हमारी लाइफ बदल रही है, रोज नई नई चीजें आएंगी, मार्केट किसी ना किसी नई चीज के ऊपर, जो कि आज अंडर वैल्यूड है, आज वो अंडर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट ये चीज को सेंस कर पा रही है कि आने वाले समय में इस चीज की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, मार्केट उस पे बेट करता है जी, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है उसको लेते हैं। राइट सुनील, अगर और आसान शब्दों में व्यूअर कैसे समझे, यानी यहाँ पर, क्योंकि आपने एग्जांपल एक दिन का दिया यहाँ पर, यानी ये एक स्पैन ऑफ इयर्स में हो सकता है, कुछ समय कुछ महीनों में हो सकता है, बिल्कुल कुछ समय में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है। मार्केट में हम कई बार देखते हैं स्टॉक चेंज होते रहते हैं, अभी इस हफ्ते कोई स्टॉक चले, अगले हफ्ते कोई स्टॉक चले, अगले हफ्ते कोई स्टॉक चले, ऐसे लास्ट 3 महीने में कोई स्टॉक चले, इस 3 महीने में कोई स्टॉक चल रहे हैं, इसी चीज को अगर हम बड़ा कर देंगे, मार्केट ऐसे ही अपने स्टॉक्स चेंज करती है, अपने सेक्टर्स चेंज करती है। आपको अगर इस मार्केट में पैसा कमाना है, तो जिस दिन मार्केट में आए उस दिन मार्केट से पूछे आज की आपकी स्पेशल डिश क्या है। चलिए बिल्कुल, आज की स्पेशल डिश पूछिए, स्पेशल मत पूछिए, क्योंकि वो पुरानी वाली स्पेशल है, राइट, उससे पूछिए आज की स्पेशल क्या है, और आज की स्पेशल में अगर आप लेंगे ऑर्डर करेंगे बहुत अच्छा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। चलिए एक्चुअली होता यही है, क्योंकि एक बबल के चलते, यानी एक हाइप के चलते हम ये देख लेते हैं कि हमारे नेबर ने कौन सा स्टॉक खरीद लिया, मेरे कुलीग ने ऑफिस में कौन सा स्टॉक खरीद लिया, अच्छा सबसे सुन लेते हैं बात, हालांकि कई बार ये र्यूमर्स काम भी करते हैं, हो सकता है आप सही हॉर्स पे बेट भी लगा पा रहे हो, लेकिन कई बार चांसेस ये भी होते हैं कि शायद आप बासी चीज खरीद लेते हैं, स्टेल चीज खरीद लेते हैं, जिसका समय चला गया वो खरीद लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने मार्केट जिस तरह से अपने हॉर्सेस अपने बेट्स चेंज करती रहती है, आपको भी अपनी साइकोलॉजी अपनी जो बेट है जो सोच है उसे बदलते रहना पड़ेगा, जिस तरह से एक स्मार्ट इन्वेस्टर सोच रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि हमारे पास स्टॉक सुजलोन पड़ा है, हमारे पास पूंजलॉयड पड़ा है, हमारे पास सब कुछ पड़ा है, जेपी पड़ा है, वो नहीं चल रहे, और हिंदुस्तान लीवर चलता जा रहा है, आईटीसी चलता जा रहा है, ये चलते जा रहे हैं स्टॉक, कंजम्पशन स्टॉक, इनको नहीं पता मार्केट इस बार कंजम्पशन को स्पेशल थीम बनाया हुआ है। राइट, जैसे कि आईटीसी का ही आपने नाम ले लिया, तो आईटीसी लोगों को देखने में भी नहीं आया, पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा परफॉर्म करता चला गया, आउट परफॉर्म किया उसने सेंसेक्स, बिल्कुल, और अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक है, एफएनडो में है, हैवी वेट स्टॉक है, 100 रुपए का स्टॉक 300 रुपए हो गया आज वो जी, क्योंकि मार्केट उस चीज को स्पेशल बना रही थी। अब अगली बार मार्केट में कभी भी फॉल आएगा, बड़ा फॉल आएगा, फिर मार्केट हॉसी चेंज करेगी, उस समय आप आईटीसी के पीछे मत पड़िए जी, यही सीख है एक्चुअली। आप उस दिन देखिए कि मार्केट आप कौन से सेक्टर के ऊपर बैट कर रही है, राइट, स्मार्ट आदमी कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कहां पे प्राइस का मूवमेंट शार्प है, कहां पे प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, वो सेक्टर है एक्चुअली हीरो बनने वाला। राइट, बहुत ओवरबॉट हो जाते हैं सेक्टर्स, जो बहुत ज्यादा खरीद लिए जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उनको सोच समझ कर आपको लेना होगा कि क्या ये सही वक्त है, अब भी इसमें बाइंग बनती है या नहीं बनती है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आएगा, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस हाजिर होंगे, और इसी बात से सुनील ने जो अभी बात छेड़ दी कि क्यों ओवरबॉट स्टॉक्स को हम खरीद लेते हैं, यानी महंगे स्टॉक्स को एक टाइम पे तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब सस्ते हो गए होते हैं तब खरीद नहीं पाते, इसको भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाते आते लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दें कि बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, या फिर कुछ सुझाव हम तक भेजना चाहते हैं, जल्द वापस आते हैं। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, और चर्चा सुनील मिंगलानी से बनी हुई है। यहाँ पर सुनील, अभी आपने एक टॉपिक छेड़ा कि कई बार कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा चल चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईटीसी का एग्जांपल ले लिया, इस तरह के कई तरह के स्टॉक्स हैं। अब अगर कई बार ये व्यूवर्स के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, या फिर उनके साथ ये सिचुएशन हो जाती होगी कि कुछ स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव हो गए, अगर एक स्टॉक 1000 रुपए का है उसको हम 1000 रुपए पर तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो सस्ता हो गया होता है, 400 का हो गया होता है, 500 का हो गया, तब नहीं खरीद पाते, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये सबके साथ होता है। उस समय एक्चुअली जो स्टॉक आज 1000 रुपये का है उसमें 1000 रुपये का यूफोरिया शामिल है, उसमें 1000 रुपये की न्यूज़ शामिल है,
उसमें सेंटिमेंट शामिल हैं, उसमें एक अच्छा सिनेरियो शामिल है, टैम्प्ट लग रही है वो डिश। जैसे हमने लास्ट सेगमेंट में बात किया, वो डिश बड़ी टैम्प्टिंग है, वो अच्छी लग रही है आपको, लेकिन जिस दिन उसके अंदर वो फॉल आएगा किसी भी वजह से, ऐसा नहीं उसका साइकिल घुमाओ, कोई करेक्शन आएगा उसमें, बड़ा करेक्शन, उस स्टॉक को हम ले नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जो लो रेट है, प्राइस है, वो एक्चुअली बैड न्यूज़ के साथ आते हैं। राइट, मार्केट कभी भी आपको ऑब्लाइज नहीं करेगी, 1,000 रुपए का स्टॉक 400 रुपए में क्यों देगी वो आपको, जब तक खराब न्यूज नहीं होगा उसके सामने। मैं एक आपको यहाँ पे रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ, मेरे साथ हुआ ये जी। 2008 में मैं किसी पार्टी में गया हुआ था, वहां पर एक आदमी मुझे मिले, एक सज्जन, उन्होंने मुझे कहा कि सर रिलायंस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस समय मार्केट टच लिया, मार्केट का साइकिल घूम चुका था, तो मैंने उनको बोला मार्केट भी रिवर्स कर चुका है अभी, तो हो सकता है साल डेढ़ साल अभी हम नीचे रहे, 2 साल, और रिलायंस भी रिवर्स कर चुका है, आप निकल जाइए एक बार। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, वो गुस्सा हो गए, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, इतना अच्छा स्टॉक, इतनी अच्छी कंपनी, मैंने तो, मेरे पास तो बहुत स्टॉक पड़ा है। मैंने कहा फिर ठीक है, आप नहीं मान रहे तो रहने दीजिए, कह रहा स्टॉक आपको कहाँ तक लग रहा है, कहाँ तक जा सकता है। मैंने बोला आप छोड़िए इस बात को, कहाँ तक जा सकता है, आपको अगर निकलना है तो निकल जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ निकल जाइए, नीचे आएगा दोबारा ले लेना। कह रहा सर ऐसा है, कोई कुछ भी बोलता रहे, हमने बहुत देखे हैं टेक्निकल, 2,000 रुपये से नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। उस समय उसका रेट 2,300-2,400 चला करता था। कह रहा 2,000 से नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, आपको कहाँ तक लगता है। मैंने कहा मैं रेट नहीं बता रहा हूँ, आप जो मर्जी बोलिए। कह रहा ऐसा है, अगर बाई चांस 2,000 आ गया ना, मेरे पास में एक प्रॉपर्टी पड़ा है, मैं प्रॉपर्टी बेच के लूँगा वो स्टॉक। मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ा है, मैं प्रॉपर्टी बेच के वो स्टॉक ले लूँगा, मैं इतना अच्छा है, कभी नहीं गिर सकता, ये जो भी उन्होंने बातें बोली। जी जी। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद मैं अपना काम कर रहा था, मेरे सामने स्टॉक का रेट आ रहा था 1,225 रुपये। जी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप 2,000 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी कोई थी आपके पास, आप वो बेच के लेना चाह रहे थे, 1,200 रुपये का आ रहा है रिलायंस, आप ले लीजिए। कह रहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई लेने वाले रेट है, मैंने तो अभी दो लॉट जो है शॉर्ट किए हैं यहाँ पे। जी। कह रहा आप कोई लेने वाली कंडीशन नहीं है, अब तो ये गिरेगा और, ये तो 600 रुपये आएगा। आप सोचिए मार्केट जो है वो आपकी सोच चेंज कर देती है, आप कौन होते हैं लेने वाले, मार्केट आपको लेने देगी तब लेंगे ना आप। राइट। जो आदमी बोल रहा था मैं 2,000 रुपये में प्रॉपर्टी बेच के स्टॉक लूंगा, वो आदमी 1,200 रुपये में शॉर्ट कर रहा है। आप सोचिए मार्केट कैसे सोच बदलती है आपकी। राइट। हमने पहले भी बात किया एक बार ये कि मार्केट आपकी सोच बदल देगी, लेकिन समझदारी उसमें है कि आपकी सोच बदले पहले, अगर उसकी पहले सोच बदल जाती तो वो लॉस तो नहीं खाता। जी बिल्कुल, यानी लोगों को देखने के बाद लॉस, घाटा होने के बाद अगर आप सोच बदलते हैं कोई फायदा तो नुकसान आप ही को झेलना। मार्केट जो है उस समय 1,200 का रेट अच्छा था एक्चुअली, जी, लेकिन वो ले नहीं पाया क्योंकि उसके साथ इतनी बैड न्यूज लगी हुई थी, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर चुका था, यूएस में प्रॉब्लम थी, इंडिया में प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन थी, सब कुछ था। होगा, जिस दिन प्राइस नीचे आएंगे उस दिन ऐसा होगा। आप सोचते हैं जब क्लैरिटी हो जाएगा ना मैं उस दिन खरीदूंगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम जिस दिन क्लैरिटी होगा ना उस दिन रेट भी क्लैरिटी वाले होंगे। बिल्कुल। उस दिन जिस दिन सब कुछ ठीक होगा उस दिन प्राइस भी ठीक होगा। राइट। उस दिन प्राइस कम नहीं होगा। आपको वहां पे देखना है कि यस ये चीज ऐसी है कि इसको लिया जा। आप 3,000 रुपये में एक स्टॉक को लेने को तैयार है, 1,200 रुपये में उस स्टॉक को लेने को तैयार। यानी सुनील, हम कई बार ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट साइकिल्स में चलती है, करेक्शन जरूर आएगी, किसी भी स्टॉक की करेक्शन आएगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि करेक्शन है टाइम वाइज या प्राइस वाइज की करेक्शन है, या फिर ये कोई बैड न्यूज के चलते लगातार नीचे चला आ रहा है स्टॉक। इन दोनों में डिफरेंस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर किसी स्टॉक की साइकिल रिवर्स हो चुकी है उसके सिम्टम अलग होते हैं, नॉर्मल करेक्शन है उसके सिम्टम अलग होते हैं। राइट। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक एग्जाम्पल हमने लिया, अब वो स्टॉक ठीक है 3,000 लगाया, 3,500 लगाया, उसके बाद में अगर आपको 1,200 रुपये में स्टॉक मिल रहा है 1,000 का लो लगा के, तो वहां पर लेना बनता है। राइट। चाहे हो सकता है उसने 4 साल आगे भी परफॉर्म नहीं किया और वो 2,000 के आसपास ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर भी वो रेट अच्छे थे। जी। वो ऐसे नहीं थे रेट के वहां पे लिया ना जा सके, लेकिन वहां पे क्या होता है, लोगों को जो आसपास का एटमॉस्फेयर, जो नॉइस होती है वो परेशान कर रही होती है। राइट। वहां पर वो सोचते हैं नहीं छोड़ो अभी नहीं लेना है, अभी जब सब ठीक हो जाएगा तो लेंगे, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तो प्राइस भी ठीक हो जाएगा। और यही कोशिश है हमारी कि इसी मनोविज्ञान को आपको समझाएं कि क्यों इस तरह की बातें हो जाती है, कौन सी बातें हैं जो आपको, कौन सी अनदेखी अनछुपी बातें हैं जिनको आपने ध्यान देना है। यही कोशिश लगातार होती है, और इसी कोशिश में, इसी कड़ी में एक और सेगमेंट भी है, एक और एक नई कोशिश भी है हमारी कि आपको कुछ रूल्स भी समझाएं इस रोड के, इस स्टॉक मार्केट के रोड के। इसी कंटिन्यूएशन टू दैट सीरीज ओनली, एक बहुत फेमस कोट है, कहा जाता है कि नेवर लेट अ प्रॉफिट टर्न इनटू अ लॉस। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए हम अगर कोई भी स्टॉक लेते हैं हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। राइट। वो स्टॉप लॉस हमारा अगर हिट हो जाता है तो हम निकल जाते हैं, यानी कि अगर मैंने बाय चांस स्टॉक लिया
और मेरे लेते ही वो स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, तो ठीक है वो स्टॉप लॉस है मेरे पास, मैं उसको देख लूँगा। लेकिन इस कोट का मतलब ये है, आपने स्टॉक लिया कोई और वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया जी, आप जैसे आपने लिया था सोच के ऊपर जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो गया, ऊपर गया वो, लेकिन वो उतना ऊपर नहीं गया जितना आपने सोचा था, वो टर्न कर गया आधे रास्ते से जी, और वापस आके आपके रेट को काट रहा है नीचे की तरफ, और आप फिर भी वेट कर रहे हैं, आप फिर भी वेट कर रहे हैं। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, 300 रुपए का स्टॉक लिया सोच के 350 हो जाएगा, स्टॉक 320 तक गया, वापस आ गया 320 से और 300 रुपए के नीचे आ गया। इस कोट का मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट है उसको कभी भी लॉस में टर्न मत होने दीजिए, ब्रेक इवन पे निकल जाइए। आपने 300 रुपए का लिया, आप 300 पे बाहर निकल जाइए, आप उस स्टॉक में लॉस नहीं खा सकते जिस स्टॉक में पहले प्रॉफिट आ रहा था। ये गलती नहीं है, ये क्राइम है एक्चुअली। आपने प्रॉफिट वाले सौदे को लॉस में आने दिया। लॉस में सौदा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपने लिया और वो लॉस ले रहा है और आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, लेकिन ये सौदा प्रॉफिट में था, राइट, वो लॉस में आ गया, या फिर एक रेंज में था आपको कुछ नहीं दे रहा वो लॉस में चला गया, समझ आता है, लेकिन प्लस का स्टॉक नेगेटिव, प्लस का स्टॉक नेगेटिव में आने दिया, ये गलत है, इसको नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। एक और गलती कर लेते हैं इसी के साथ, लोग देखते हैं जब लॉस हो रहा है तो उसे एवरेज भी करने लग जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है डोंट एवरेज योर लॉसेस। बिल्कुल, ये बात मार्केट के अंदर एक्चुअली बोली बहुत बार जाती है, किताबों में भी लिखी हुई है, लेकिन लोग समझते नहीं है। जब भी स्टॉक आपने लिया है और आप किसी स्टॉक में गलती से ट्रैप हो गए, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया था और आप नीचे आ गया, आप उसको अगर होल्ड कर रहे हैं किसी भी वजह से, कोई उसका सपोर्ट एरिया है, आपने किसी से सलाह लिया है, लेकिन प्लीज वहां पर एवरेज मत कीजिए। एवरेजिंग का सिस्टम, एवरेजिंग का रूल बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। आपको एक्चुअली प्रियंका जी होता पता है क्या, साइकिल नहीं पहचान रहे लोग, ऊपर की साइड में एवरेज नहीं करते, राइट, करनी आपको ऊपर। अगर आपने 100 रुपए का एक स्टॉक लिया, स्टॉक 105 का होता है, आप वहां एवरेज कीजिए, एवरेज का मतलब एड ऑन कीजिए, एग्जैक्टली 105 की जगह 110 का हुआ, एड ऑन कीजिए, आप अपने विनिंग हॉर्स के ऊपर अपनी बेट बढ़ा रहे हैं, आपका प्रॉफिट वैसे बढ़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 100 का स्टॉक 80 आया वहां पे ले लिया, फिर और नीचे आया फिर वहां पे ले लिया, फिर वो स्टॉक धीरे धीरे 30 रुपए आता है, फिर हम बोलते हैं सर हमारी तो किस्मत खराब है, ये स्टॉक मार्केट तो जुआ होता है जी, ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप गलत काम कर रहे हैं ना, तो गलत होगा आपके साथ, राइट, आप साइकिल ही नहीं पहचान रहे होते। तो चलिए ये दो रूल्स है जो आज जिनको पर हम स्ट्रेस जरूर करना चाहेंगे, कि आप एक नेवर लेट योर प्रॉफिट इनटू अ लॉस, एंड सेकंड डोंट एवरेज योर लॉसेस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है यहाँ, लेकिन वापस आएंगे तो एक स्टॉक समझेंगे सुनील मिगलानी से, जो होगी उनकी पोजिशनल कॉल्स, और क्या वजह है, टेक्निकली क्या रीजंस देख रहे हैं उस स्टॉक को चुनने के, वो भी समझेंगे। जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। लेकिन जाते जाते अपने व्यूवर्स को ये भी याद दिला दें, अगर आप हमारे पुराने एपिसोड्स मिस कर चुके हैं, नहीं देख पाए उन एपिसोड्स को जब उन्हें टेलीकास्ट किया गया था, तो आप वो सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक और जल्द वापस हाजिर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका बेसब्री से हमारे व्यूज को इंतजार रहता है। जी हाँ, एक ऐसी स्टॉक पिक जो सुनील मिगलानी टेक्निकल बेसिस पर लेकर आए आपके लिए। सुनील, आज कौन सा स्टॉक होगा? आज का स्टॉक है टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस, पहले टाटा टी हुआ करता था ये जी। इस स्टॉक को चार्ट पे समझे हम? बिल्कुल समझेंगे चार्ट पे। देखिए, इसको देने का कारण ये है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पूरा इसमें राइज आया था काफ़ी अच्छा, और अपना हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में चल रहा है ये, और यहाँ से करेक्शन इसका अभी हुआ है जी। ये करेक्शन जैसे आप देख रहे हैं, ये जो लाइन लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, और बिल्कुल 200 डे के मूविंग एवरेज पे ही अभी ये है, 140 रुपए के आसपास का रेट है इसका जी, वहीं पर ये काम कर रहा है अभी, राइट। और पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसने 200 दिन की एवरेज पे सपोर्ट लिया है उसी एरिया के आसपास, 1-2 रुपए ऊपर नीचे वहां सपोर्ट लिया है इसने, और अभी ये वहीं पर ही है। अब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप जैसे देखेंगे कि लास्ट टाइम का जो टॉप बना हुआ था इसका, ये 135-136 रुपए का रेट है। ये टॉप, अगर वो स्टॉक एक्चुअली अपट्रेंड में है, तो उसको इस टॉप के नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करता है, बिल्कुल उसके नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। वहीं पर ही आस पास 200 दिन का एवरेज आ रहा है, ये सबसे बेस्ट ट्रेड है हमारे हिसाब से। अगर इसको यहाँ लिया जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, राइट। 140 रुपए का रेट है इसका, 135-136 के आसपास कहीं पे भी मिलता है, या यहाँ पे भी मिले तो भी ले सकते हैं। 124 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 122 से 124 के बीच में, 122 से 124 के बीच में स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें, और 3 से 6 महीने का वक्त देना चाहिए,
मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है अपना जो इसका हाई क्रिएट हुआ था 180 रुपए का, एक बार उसके ऊपर जाएगा और 200 रुपए के आसपास के रेट 3 से 6 महीने में इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने व्यूवर्स को एक बार फिर बता दें कि क्योंकि आप इस शो को कुछ दिन पहले हम इससे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए इसके करंट प्राइस का जरूर नजर में रखेगा, लेकिन जो प्राइस अभी बताया, जो रेंज बताई सुनील ने, क्योंकि 200 DMA एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एवरेज के आसपास है, ये सबसे बड़ा रीजन है इसको पिक करने का, क्योंकि हमारी कोशिश सुनील यही रहती है कि सिर्फ स्टॉक पिक ना दी जाए, व्यूवर्स को उसको समझाया जाए कि वो क्यों। और मैंने पहले भी बोला है चार्ट चेंज होगा, हम भी चेंज होंगे, आपको भी चेंज होना है, जो आज दिख रहा है हम वही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मेरा कोई पर्सनल कुछ नहीं है इसके अंदर, जो दिख रहा है, जो चार्ट बोल रहा है आपको दिखाया गया है, जो चार्ट बोल रहा है हम वही बोल रहे हैं। अगर कल चार्ट घूम जाता है 122 रुपए के नीचे, अगर ये चार्ट चला जाएगा तो इसमें एक बार रिवर्सल आ जाएगा, वहां पर आपको बाहर निकलना है। 122 के ऊपर जब तक ही है आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 3 से 6 महीने 200 रुपए के रेट इसमें आ सकते हैं। चलिए, यानी रिस्क सिर्फ 10 से 12 रुपए का और रिवॉर्ड है यहाँ से कम 60 रुपए का। चलिए तो लेवल से एक बार फिर से व्यूअर्स नोट कर ले, स्टॉप लॉस रहेगा 122 से 124 रुपए के नीचे, ये 200 DMA के जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है उससे नीचे का एक लेवल है, और टारगेट यहां से, लेकिन नजरिया जरूर रखे ध्यान, 3 से 6 महीने के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा अगर आपको इसमें मुनाफा चाहिए। लेकिन क्योंकि सुनील भी क्लियर कह रहे हैं, टेक्निकल बेसिस पे इस चार्ट को लिया जा रहा है, अगर कुछ रीजंस चेंज होते हैं, कोई भी न्यूज फ्लो चेंज हो जाती है या फिर टेक्निकल फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखना, अगर 122 से नीचे चला जाता है सौदा को जरूर काट देना। इसी के साथ सुनील, कोई डिस्क्लेमर आपका? ये स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूँ और हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उन सबको बताया गया ये स्टॉक। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया सुनील शो में बने रहने के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, स्टॉक पिक देने के लिए। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को इससे मुनाफा जरूर हो, और उम्मीद हमारी ये भी रहती है कि व्यूवर्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को इस शो में शामिल किया जाए, वो तभी मुमकिन है जब आप हमें मेल करेंगे, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आपको अपना सवाल भेजना होगा, किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, कोई किसी भी मनोविज्ञान के किसी साइकोलॉजिकल टॉपिक को समझना चाहते हैं, किसी टेक्निकल टर्म को समझना चाहते हैं, शो में सवाल जरूर पूछें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। चोर जानता है मैं कहां फंस सकता हूं, मुझे कहां दिक्कत आ सकती है, उसके लिए पहले वो चीजें तैयार करके जाता है। जुआरी होता है वो लेता है अननोन रिस्क, राइट, इसलिए वो कहता है मैं ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। एक्चुअली बड़ा नहीं है वो रिस्क, वो अननोन रिस्क है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। चोर को मालूम है मैं कहां तक फंस सकता हूँ।